अरे देखो, सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पटाखा भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो, देश में थोड़ी ही देन में अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाए। चर्चा की है, लेकिन समय सीमा क्या रहेगी? राम मंदिर तो बना था, राम मंदिर तो बना है, लेकिन पीओके की समय सीमा क्या रहेगी? राम मंदिर तो बन गया, तो पीओके की समय सीमा क्या? देखो, समय सीमा देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो आवाज उठाना है। मेरा काम आवाज उठाना है कि भाई हमें हमारा दिल और मांगे मोर, हमारा दिल और मांगता है, दिल मांगे मोर, हमें कृष्णा जन्मभूमि भी दीजिए, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी दीजिए, हमें विश्वनाथ काशी को पूरा दीजिए। अभी क्या देना नहीं देना है वो मोदी जी। क्या लग रहा है सर कि मदुरा भी आप लोग फिर होना तो चाहिए हमारा साथ? हमारा दिल तो यही बोलता है कि मथुरा भी हमारा होना चाहिए, लेकिन निर्णय तो मोदी जी को करना है। मुख्यमंत्री जी, लोगों का इस बार मानना है कि आप मतलब इस वर्ष के चुनाव में धर्म संप्रदाय, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे गौण हो रहे हैं, और धर्म संप्रदाय जाति बाति के मुद्दे हावी हो रहे हैं। संप्रदाय का मुद्दा हमारा देश में हमेशा रहा है, हमारा देश का विभाजन भी धर्म का आधारित हुआ है, तो धर्म को रक्षणावेक्षण देना एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा देश में। और जब सनातन हो जाएगा ना, तो बेरोजगारी भी अपने आप रास्ता ले लेगा। किस लिए? आज आप देखिए कौन कौम का आबादी बढ़ रहा है, 45% आबादी किसका बढ़ा है? हिंदू का तो नहीं बढ़ा। अगर देश हिंदू हो जाता है ना, देश का बहुत सारा समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। हम तो तीन तीन शादियां नहीं करता हूं। अगर आप देश हिंदू बना दो, देश में बहुत सारा समस्या अपने आप हिंदू ही सॉल्व कर लेगा। लालू जी कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, जरूर उनका है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कृष्ण आपका है, राम आपका है, लेकिन आप एक समुदाय का साथ है, जो है उनका संग आप छोड़ दीजिए।